नमस्कार अर्जुन, माई सेल्फ गणेश चौहान, मैं MP ग्वालियर से बिलोंग करता हूँ। टीम बॉटनी का मैं पिछले CLC में 8 साल से पार्ट बना हूँ। टोटल एक्सपीरियंस लगभग 20 साल है। यहाँ का जो पॉजिटिव इन्वायरमेंट है वो बच्चे को काफ़ी हद तक बूस्टअप करता है। बच्चे में अगर पोटेंशियलिटी है तो CLC वो परफेक्ट इन्वायरमेंट देता है। उन क्लासों में जैसे कि मैं बायोलॉजी की बात करूं, NCERT बेस पढ़ाना है, उससे ज़्यादा पढ़ा के बच्चे का नुकसान ही कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली हमें आज की सिलेक्शन का जो मूल मंत्र है वो यही है कि NCERT पढ़ना है, 100% पढ़ना है, उसमें 1% भी छोड़ना नहीं। अब इसमें क्या होता है, क्लासरूम में पढ़ा दिया, अब जो इन्वायरमेंट वाली बात है, जो सपनों को साकार करने वाली जो मेन थीम है, स्टडी मटेरियल है, टीचिंग है, बहुत बढ़िया कैंपस है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। मेन जो CLC को यूनिक बनाती है वो मेरा मानना है कैंप का सिस्टम, जहां 5,000 बच्चे बड़े आराम से कैंप में बैठते हैं, एक तपस्वी की तरह जो उन्होंने क्लासरूम में पढ़ा है उसे रिवाइज करते हैं। कैंप के पैरेलल ही यहाँ पर डाउट सेशन भी चलता है। अगर बच्चे को कोई कैंप में बैठे हैं डाउट आ रहा है तो कैंप में से वहाँ से उठ के डाउट काउंटर पर आकर अपने डाउट को क्लियर कर सकता है। तो बात एनवायरनमेंट की है। मैंने तो कई बच्चों को यहाँ तक देखा है कि लास्ट में जब एग्ज़ाम ड्यूरेशन आता है, टाइम पीरियड नियरेस्ट आ जाता है, तो वो अपना सारा सिस्टम वो कैंप में ही फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं।